거. केवल इन 7 लोगों को पता था कि वायुसेना बालकोटा के किस वक्त हमला करेगी। जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा पुलवामा पर हमले के 12 दिन बाद मंगलवार को तड़के 3:40 पर और 3:53 के बीच टाइगर स्क्वाडन के 4 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालकोटा के मरकज सैयद अहमद शहीद परीक्षा सिवत पर हमला किया। मिराज लड़ाकू विमान पिस्टल मेज मिसाइल और स्पाइस 2000 स्मार्ट विमान दोनों से देश के खुफिया अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 325 आतंकवादी और आतंकवादियों के ट्रेनर मारे गए। अधिकारियों ने तस्वीर के साथ हवाला देते हुए कहा कि जानकारी की जिसे मीडिया के साथ साझा नहीं किया गया। इन तस्वीरों में देश के परीक्षा सिवे को ढक दिया गया था। पिस्टल मेज मिसाइलों का 100 किलोमीटर का दायरा होता है और स्पाइस 2000 स्मार्ट बम पारंपरिक बमों को स्मार्ट बमों बिगड़ने के लिए मिसाइलों की तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने आक्रमण तरीके से भारतीय वायुसेना को जवाब दिया है। हालांकि शुरुआत में पाक ने हमले को नाकाम बताया था, लेकिन स्वीकार किया कि उसके हवाई क्षेत्र से लगाई गई और बाद उन्होंने आत्मरक्षा भरा कार्य किया है। बताया कि प्रक्रिया देने के अपने अधिकारी को सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 3 सैन्य प्रमुखों 2 खुफिया एजेंसियों के प्रमुख के साथ देश की सुरक्षा बलों की तैयारी की समीक्षा की। की रिपोर्ट के मुताबिक से पहले डोभाल ने अपने अमेरिका समकक्ष जॉन बोल्टन से फोन पर बात की। उन्होंने भारत की कार्रवाई और भारत के बचाव के अधिकार के बारे में जानकारी दी। इस हमले के कुछ घंटे बाद विदेश सचिव विजय गोखले ने भारत का पक्ष पेश किया और बताया कि मंगलवार की बमबारी बचाव के लिए की गई एक असैन्य हमले थी। असैन्य इसलिए क्योंकि इसका लक्ष्य सैन्य नहीं था, नागरिकों का हमला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से संबंधित एक कैंप था जहाँ पर भारत के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही थी। राह को पाकिस्तान के लक्ष्य तलाशने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नाम नहीं बताने के साथ कई एजेंसियों विभागों ने कई वरिष्ठ खुफिया अधिकारी किया स्पष्ट कि भारत पुलवामा हमले का जवाब देगा। उन्होंने 14 फरवरी को हमले रिपोर्ट में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी एड 41 बिग सलाह को पाकिस्तान के लक्ष्य तलाशने के लिए कहा गया था। नाम ने 6 लक्ष्य बताया था जिसमें बालाकोट सूची में सबसे ऊपर रखा था। यहाँ देश का सबसे पुराना परीक्षा शिविर था और इस संगठन की खुफिया मसूद अजहर का साले यूसुफ अजहर चलाता था। 18 फरवरी को पीएम मोदी के हमले को मंजूरी दी थी। खुफिया अधिकारियों के अनुसार इस फैसले के बारे में केवल 7 लोगों को पता। मोदी डोभाल और 3 सैनिक प्रमुख और राह और इंटेलिजेंस ब्यूरो के में प्रमुख लोगों को पता था। 22 फरवरी की वायुसेना ने पाकिस्तान को ऑर्बिट करने के लिए विभिन्न सीमा ठिकानों रात को उड़ान भरना शुरू कर दी थी। 25 फरवरी को खुफिया जानकारी मिली थी कि बालाकोटा के में बड़ी संख्या में जैसे मोहम्मद के 300 से 350 के बीच आतंकवादी मौजूद है। उसी शाम को तुरंत हमले का निर्णय लिया गया। मोदी को देर शाम तक पता था कि अगले कुछ घंटों में हमला हो सकता है। पीएम मोदी रात भर जागते रहे। डोभाल वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ और राव और आईबी के प्रमुख भी इस कार्रवाई के दौरान जगे रहे। सेना प्रमुख बिपिन रावत और सेना प्रमुख सुनील लांबा भी रात भर जागे हुए थे और स्थिति की निगाह बनाए हुए थे। अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि पाकिस्तान भूमि या समुद्र पर तत्काल जवाबी कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर ले तो वायुसेना के इस अभियान में 12 विमानों का इस्तेमाल किया गया था जो विमानों के उड़ान भरने से लेकर वापस हवाई अड्डे में लौटने तक 2.5 घंटे तक चला। जय हिंद जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज्यादा न्यूज़ पाने के लिए हमारे ब्लॉग पर विजिट करें। जय हिंद जय भारत। अगर